नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राफेल का नाम एक ऐसा नाम है जिसने भारत की राजनीति में भयंकर तूफान लाने का काम किया। राफेल एक लौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसने कांग्रेस और बीजेपी सरकार में खलबली मचा कर रखी थी। राफेल की कीमतों को लेकर उठे विवाद से तो हर कोई बखूबी वाकिफ है, लेकिन आज मैं जो खबर आपको बताने जा रही हूँ वो भविष्य की राफेल राजनीति में विराम लगाने का काम करेगी। दरअसल भारत ने इतिहास रचने का काम किया है। ये खबर किसी राजनीति से नहीं बल्कि भारत की तकनीकी में चार चांद लगाने वाली है। बता दें कि भारत जल्द ही ऐसा डबल इंजन तैयार करने वाला है जो कि फ्रांस के राफेल को टक्कर देने के साथ साथ रूस के जेट MiG-29K को रिप्लेस कर देगा। बता दें कि MiG-29K को INS विक्रमादित्य और विक्रांत पर तैनात किया गया है। इसी कड़ी में भारत ने मेड इन इंडिया फाइटर प्लेन बनाने की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है। दरअसल ये तेजस फाइटर विमान का ही एक नया रूप होगा। जी हाँ, तेजस अब डबल इंजन का फाइटर प्लेन बनने वाला है। एरोनॉटिक्स डिजाइन एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस आधुनिक फाइटर प्लेन बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बता दें कि तेजस के इस नए वेरिएंट का वजन 1 टन से भी कम होगा, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट में कैरियर के डेक से ऑपरेशंस के लिए जरूरी हैवी रिफोर्स्ड लैंडिंग गियर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रोजेक्ट डिजाइनर की माने तो तेजस फाइटर को देखते हुए ट्विन इंजन वाले आधुनिक तेजस को आसानी से बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में इसके फाइटर प्लेन का प्रोटोटाइप की लैंडिंग की भी तैयारी कर ली गई है, जो कि अगले कुछ हफ्तों में पहली बार INS विक्रमादित्य के डेक पर लैंड की जाएंगी। बता दें कि इस नए वर्जन में US के निर्मित टर्बोफोन इंजन को लगाया जाएगा। इसकी खासियतों की बात करें तो तेजस में F414 इंजन से लैस होगा और ये अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ है। इसमें पहले के मुकाबले पायलट की सुरक्षा का भी खासा ख्याल रखा गया है। नए तेजस का साइज लगभग MiG-29K विमान के बराबर ही होगा। इसमें 9 टन तक हथियारों को लोड किया जा सकेगा। इसकी स्पीड की बात करें तो ये Mach 1.6 या 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। ये फाइटर प्लेन लेटेस्ट रडार सिस्टम से लैस होने के साथ साथ हवा, जमीन और समुद्र में दुश्मनों का पता लगा सकेगा। बता दें कि ये सभी फाइटर प्लेन मेड इन इंडिया डेटा लिंक्स के साथ आएंगे। डबल इंजन के तेजस के प्रोटोटाइप की लागत 12,780 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि भारतीय वायुसेना के खरीदे जाने वाले 36 राफेल विमानों को लेकर भारत और फ्रांस के बीच हुई डील से भी कम है। गौरतलब है कि सरकार इसकी फंडिंग पर मोहर लगा देती है तो तेजस का डबल इंजन का लड़ाकू विमान 2030 तक स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।